हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स। तो द हिंदू एनालिसिस 17 सितंबर 2017 का देखेंगे। तो सबसे पहली बात, नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग मेरी वीडियोस पहले देख रहे थे उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि इतना लंबा मैंने ब्रेक ले लिया है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियोज़ कंटिन्यू रहें और न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको और भी जो आपको यूपीएससी मेंस में हेल्प करेगा वैसी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ हम अब से जो भी वीडियोस होंगी उसमें जो भी अगर न्यूज़ के हिसाब से आपके लिए मेंस के लिए जो क्वेश्चन बनेगा या प्री के लिए कोई इंपॉर्टेंट अलग सा क्वेश्चन बनेगा तो वो भी मैं आपको स्लाइड्स में दूंगा। और लिखने की कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पीडीएफ डाउनलोड करना और आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे अब सब जानते हैं कि आज संडे का न्यूज़पेपर था, तो संडे को कुछ खास न्यूज़ आती नहीं है। हालांकि दो सेक्शन आते हैं द हिंदू के, एक सेक्शन होता है 20-22 पेज का और एक सेक्शन होता है 13-14 पेज का, एक संडे मैगज़ीन आ जाती है आपकी, तो वो काफ़ी बल्की सा हो जाता है और काफ़ी आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको सबको पढ़ने में, मेनली साइंस एंड टेक का पेज जो रहता है। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके मैं जो आपको वीडियो में लाऊंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम आपके आधे घंटे में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके 2 या 2.5 घंटे जो आप न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाते हो वो बच जाएंगे। और दूसरी बात, जो मेरी पीडीएफ्स होंगी उसमें आपके पास आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, तो जो स्क्रीनशॉट आपका, आप उसको रीड भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आपके पास वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ थी, गन राइस इलीगल फैक्ट्रीज इन बिहार बंगाल मेक अ किलिंग। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी गौरी लंकेश का आप सब जानते हैं कि मर्डर हो गया था, उन्हें शूट कर दिया गया था उनके घर के बाहर, तो इसी वजह से। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कंट्री मेड वेपन्स की प्रॉब्लम आ रही है। कंट्री मेड वेपन्स जिसको हम कट्टा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको देसी भाषा में कट्टा कहा जाता है, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये इलीगल ट्रेड चल रहा है जो कंट्री मेड वेपन्स में चल रहा है। और इन्हीं गन्स को मेनली यूज़ किया जाता है टू मर्डर पीपल लाइक गौरी लंकेश और गुलशन कुमार। अगर आप जानते हैं टी सीरीज़ में जो वो भजन वीडियोस में आया करते थे, उनका भी मर्डर कर दिया गया था और इसी गन से सस्पेक्टिवली उनका भी इसी गन कंट्री मेड गन के थ्रू ही मर्डर किया गया था। ठीक है, जो लोअर रंग मॉइस्ट्स हैं वो भी ये कंट्री मेड गन्स को ही यूज़ करते हैं। अब 90% केसेस में क्या होता है, ये जो वेपन होता है ये यूजलेस हो जाता है कुछ राउंड्स ऑफ बुलेट फायर करने के बाद, ये जो है वो यूज़लेस हो जाता है क्योंकि जो इसका बैरल वगैरह होता है वो सब डैमेज हो जाता है, तो इसको यूज़ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है वैसे वैसे जो आजकल की जो कंट्री मेड गन्स हैं वो सुपीरियर होती जा रही हैं। ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ में बनने लगी हैं जिसकी वजह से उनका जो इलीगल ट्रेड है वो भी काफ़ी हाई लेवल का हो गया है। ठीक है, सप्लाई चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज है। आपको एक गन चाहिए, आपने किसी एजेंट को कॉन्टैक्ट किया, वो एजेंट सप्लायर को कॉन्टैक्ट करेगा, तो काफ़ी मैनेज सी जो है वो सप्लाई चेन है। ठीक है ना, तो अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी एक तो ये फैक्ट्री मेड इलीगल वेपन होता है ये आपको सस्ते में मिल जाता है, 10-12,000 में आपको ये मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको बुलेट फ्री मिलती है, मतलब फ्री 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 ऑफर चलता है ना कि ये लो एक मुफ्त, वैसा वाला काम रहता है कि भैया आप बंदूक लो 10 से 12 हज़ार में आपको सस्ते में बंदूक मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक बंदे को मारना है, आपकी खुंदस है उससे, ठीक है, आपने उसको शूट करना है, तो आप क्या करोगे, 1-1.5 लाख रुपए की अमेरिकन गन लेके आप कहोगे यार 10-12 हज़ार रुपये में एक गन मिल जाएगी और मेरे को तो बस एक ही को मारना है, मेरे को कोई प्रोफेशनल किलर तो बनना नहीं है। ठीक है, तो ये 10 हज़ार 12 हज़ार में आपको गन मिल जाएगी, उसके साथ आपको 6-8 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन भी मिल जाएगा, तो आपका काम तो हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये जो मेनली इंडस्ट्री डेवलप हुई है मुंगेर में डेवलप हुई, मुंगेर बिहार में है आपका। ठीक है, तो ये नियरली 18th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप शुरू होनी हुई थी, जब मीर कासिम जो हमारे नवाब ऑफ बंगाल थे उन्होंने आर्टिसंस को गन्स बनाने को बोला टू फाइट द ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो ये स्मॉल गन यूनिट्स थी, ये करण चौरा एक टाउन है वहीं पर, वहाँ पे कंटिन्यू किया इन्होंने मैन्युफैक्चर करना गवर्नमेंटल सुपरविजन के अंडर ही। लेकिन 1956 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं भाई बंदूक लोग आप ऐसे नहीं बना सकते, रिस्की काम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये जो गन्स बनाने का आप काम कर रहे हो इसको हम बैन कर दे रहे हैं, प्राइवेटली आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते।
ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हुआ कि जो मुंगेर आर्टिसंस थे उनका जो लाइसेंस था उनको रखा गया कि हाँ भाई आप थोड़ी बहुत गन्स बना लो, हम उसको देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अगर इनका राइट ले लेते तो फिर जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, अब कुछ जो फॉल हुआ है इलीगल आर्म मैन्युफैक्चरिंग में, मुंगेर में हुआ है। क्यों मुंगेर में क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है अब ये वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गई है। ठीक है, आपका जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है मेनली शिफ्ट हो रही है, और जो ये डिमांड बढ़ती है वेपन की वो अब जैसे आप लोग, तो यूपी में पीक हो गई थी ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस के टाइम पे ये जो इलीगल गन्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो आपका यूपी है वो ही सबसे बड़ा, मतलब आपका जो इलीगल वेपन्स जो सेल होते हैं, जो रिकवरी जो पुलिस रिकवर करती है वो सबसे ज़्यादा यूपी से ही रिकवर होते हैं, जिनकी जो डिमांड है वो आपकी पीक हो जाती है इलेक्शंस के टाइम पर। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी टाइम से आप इकोनॉमी पेज अगर हिंदू का देखते हैं तो काफ़ी टाइम से आप लोग तंग आ गए होंगे कि ये इन्फोसिस का न्यूज़ चल रहा है, पेज के पेज भरे रहते हैं। तो आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट है इशू को जानना, उसके बाद इन्फोसिस के अंदर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है कि इशू को जानना। तो इशू क्या हुआ? अब नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, ठीक है, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा बोर्ड को इन्फोसिस के, ठीक है, तो उसमें इन्होंने एलज किया कि कुछ प्रॉब्लम इन्हें दिख रही थी कि आपने इन्फोसिस ने एक इजरायली फर्म को एक्विजिशन किया था, पनाया, पनाया उसका नाम था, उस इजरायली फर्म को इन्फोसिस ने एक्विजिशन किया था $200 मिलियन में। तो नारायण मूर्ति साहब को समझ नहीं आई कि ये यार इन्होंने $200 मिलियन में इसराइली फर्म को जो ओवरटेक किया है ये कुछ बातचीत जम नहीं रही, कुछ इसकी वैल्यू इतनी तो नहीं थी जितने में इन्होंने एक्वायर किया है, तो इसमें कुछ फाइनेंशियल डाउट नजर आया। दूसरी चीज, सिवरेंस पैकेज। सिवरेंस पैकेज क्या होता है? जब कोई बंदा रिटायर होता है, जब कोई बंदा कंपनी से हटता है, छोड़ता है उसका वॉलेंटरी रिटायरमेंट, तो उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी, 4 महीने की सैलरी उसको दे दी जाती है कि भैया ठीक है आपने हमारी कंपनी में काम किया, बहुत अच्छा लगा, अब आप रिटायर हो रहे हो, आपको हम 3 महीने की आगे की सैलरी दे रहे हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर, अभी के राजीव बंसल नाम के इन्फोसिस में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिवरेंस पैकेज दे दिया गया। तो नारायण मूर्ति सर कहते हैं ठीक है भैया, कंपनी में सिवरेंस पैकेज देने का रिवाज है, लेकिन इतना ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इसको सिवरेंस पैकेज के नाम पे, तो इसमें इनको थोड़ा सा डाउट लगा। दूसरा, जो इन्फोसिस चीफ एग्जीक्यूटिव, जो इन्फोसिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, CEO थे विशाल सिक्का, जिन्होंने रिज़ाइन किया था और जिनके रिज़ाइन करने के बाद ही ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हवा हुई थी, तो विशाल सिक्का सर ने के ऊपर उन्होंने कहा कि यार आपने बोर्ड को कहा कि आपने सैलरी बढ़ा दी विशाल सिक्का सर की, CEO की, लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी, एकदम से इतना ज़्यादा राइज सैलरी में इसका क्या रीज़न है? तो नारायण मूर्ति सर ने ये एलिगेशंस लगा के अपना बोर्ड के ऊपर भेज दिया लेटर बोर्ड को। ये जो लेटर था किसी तरह से लीक हो गया और ये मीडिया में आ गया। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या डिमांड किया नारायण मूर्ति साहब ने, कि इन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट सबमिट की जाए, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, जो भी ये एलिगेशंस लगे हैं इरेगुलरिटीज के, जो पनाया एक्विजिशन पे एलिगेशन वगैरह लगा है, तो आप उनको प्रूव करो, एक रिपोर्ट हमें दो। अब ये लेटर मीडिया में आ गया, तो बोर्ड ने क्या किया, जो नंदन निकेलनी, ये वन ऑफ द को फाउंडर हैं, इनको न्यू चेयरमैन बना दिया गया, और नीलेकणी साहब ने कह दिया कि भैया अब जो ये नारायण मूर्ति जी ने एलिगेशंस लगाए हैं इसको तो देखना पड़ेगा, ये जो सारे इश्यूज हैं ये देखना पड़ेगा, और इसी के चलते विशाल सिक्का जो थे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि भैया मेरा तो करेक्टर पे असैसिनेशन हो गया, मैं तो अब छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस सब के बीच में बोर्ड का क्या कहना है? बोर्ड का ये कहना है कि जो मिस्टर सिक्का का रेजिग्नेशन है वो मिस्टर मूर्ति की वजह से हुआ है, जो मिस्टर मूर्ति हैं वो कंटिन्यूअसली असॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है, CEO का रेजिग्नेशन उन्होंने मांग लिया जबकि उनके पास बोर्ड का स्ट्रांग सपोर्ट था, मतलब मेनली ये जो बोर्ड था इन्होंने, ये तो सिक्का सर को सपोर्ट कर ही रहे थे, तो अब ये इशू था। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस को अब आपका इसमें इशू आ जाता है कि आप कॉरपोरेट गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये आपके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है
वो काफ़ी ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए गवर्नेंस नॉर्म्स जो हैं वो अच्छे रहें, क्योंकि तभी जो वाइटल सेक्टर में भी, अब आप देखें टेलीकॉम में या किसी में भी, अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद अगर गवर्नेंस में फ्लॉज रहे तो जो जनता है, जनता का तो नुकसान हो जाएगा। तो सरकार को अब ये देखना है कि ये जो ऐसे ऐसे गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपका इंफोसिस का इशू है। अब अंदर क्या बातें होती हैं, एक बोर्ड वाले ने दूसरे बोर्ड वाले के लिए क्या कहा, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये GST अपना आ गया था, ठीक है, GST अपना इम्प्लीमेंट हो गया, तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि आपको पता नहीं है कि आपका किस चीज़ पे GST लगेगा, किस चीज़ पे GST नहीं लगेगा, ठीक है। आपको पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या हैं, बैंडविड्थ कैप, आपने कह दिया कि सब कुछ अपलोड करना है ऑनलाइन, लेकिन बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है वो, कि बंदा अपलोड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसके लिए CAG की अब एक ऑडिट करने को बोला है CAG को, ठीक है। तो ये अपना जो GSTN ऑडिट है ये अब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया था, ठीक है। इसको लीड कर रहे हैं हमारे जो बिहार के डिप्टी CM है सुशील कुमार मोदी, इनका जो GOM था उसको ये कहा गया था कि आप देखो कि भैया जो भी ग्लिचेस हैं, जो भी फॉल्ट्स हैं, जो भी गैप्स आ रहे हैं इस टेक्स स्ट्रक्चर में, आप उसको देखो और उसके लिए सोल्यूशन बताओ। तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन्होंने कहा कि भैया हम एक CAG जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है कि CAG एम्पावर्ड है वो GST के वेरियस एस्पेक्ट्स देखने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने CAG को कह दिया कि भैया आप ऑडिट करो, अब CAG जो रिपोर्ट निकालेंगे वो अपन बाद में देख लेंगे। वेनेजुएला अ क्राइसिस बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, ठीक है। तो आज से पहले क्या होता था, कोलंबिया जो वेनेजुएला का बॉर्डर है, तो थाउजेंड्स ऑफ कोलंबियंस जो थे, जो सिविल वॉर चल रहा था कोलंबिया में, अब तो खैर कोलंबिया में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है जब से कोलंबिया में और जो मिलिटेंट ग्रुप था उनके बीच में पैक्ट्स हो गए हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट्स हो गया, तो कोलंबिया में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो काम हो गई है। तो सिचुएशन के काम होने से पहले जनरली सिचुएशन क्या होती थी कि भैया जो कोलंबिया होता था उसमें से थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स जो होते थे वो ऑयल रिच वेनेजुएला में आ जाते थे क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन अब जो ट्रेंड है वो इन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रेंड जो है वो बदल गया। अब क्या हो रहा है कि वेनेजुएला में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है भैया, और कोलंबिया जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेनेजुएला में से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है कोलंबिया में। अब इसके रीजंस क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। वेनेजुएला में काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट है, ऑलमोस्ट 800%, ठीक है। मेडिसन, फूड जो है वो सब स्क्वेयर्स है। होमिसाइड रेट आपका 91.8 पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। और जो कैपिटल है वेनेजुएला की, कैरकस, उसको वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट सिटी इन द नोन वॉर जोन पूरे दुनिया में बोला गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है नो मोस्ट वायलेंट सिटी है। तो ये हमें रीजन समझ आ जाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं मार्च से, जिसकी वजह से 120 जो लोग हैं वो डेड हो चुके हैं। जो इतना सारा, अगर आप देखें किसी भी प्रोटेस्ट का रीजन क्या होता है, इकोनॉमिकल, जब इन लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, जब लोगों को पीने को नहीं मिलेगा, तो जनरल सी बात है कि वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। मार्च से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें 120 लोगों की मौत हो गई है। अब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडुरो, तो इन्होंने क्या किया, सिविल जो अपना जो क्राइसिस को संभालने के लिए और अपनी सरकार को संभालने के लिए इन्होंने सिविल लिबर्टीज पे कट लगा दिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी कि भैया मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही दोबारा लिखूंगा, पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था ना जो, वो बेकार था और उसकी वजह से लफड़ा हो रहा है, तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही दोबारा लिखूंगा, जिसके लिए भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और अपोजिशन ने बॉयकॉट किया कि आप ये क्या है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोई मजाक है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी कि भाई मैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा। दूसरा, वेनेजुएला के पास हाईएस्ट पब्लिक डेट है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा कर्जे में डूबी हुई कंट्री है। पॉवर्टी जो है वो 82% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पुअर है, ठीक है। इकोनॉमी 2013 से लेके
अब तक 35% कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, जो IMF का कहना है कि 35% जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। और दूसरा जो दिक्कत चल रही है पूरी दुनिया में, हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस लो हैं, ठीक है। वेनेजुएला मेनली एक ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल एक्सपोर्ट करके अपना खाना पानी चलाती है, तो ऑयल प्राइसेस लो चल रहे हैं, तो वेनेजुएलियन इकोनॉमी वैसे डब्बा बैठ गया है इसका। कहाँ तेल बिक रहा था 112 115 डॉलर पर बैरल, और अब कहाँ आपका 50 डॉलर पर बैरल है। तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑयल रेवेन्यू जो है इस कंट्री का वो इम्पैक्ट हुआ है। अब इसमें से अपना एक मेंस का क्वेश्चन निकल आता है, ठीक है। द ग्रोइंग क्राइसिस इन वेनेजुला कैन सीरियसली हार्म इंडियाज प्लान टू रिड्यूस इट्स डाइवर्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शन फॉर ऑयल ट्रेड, ठीक है। द ग्रोइंग क्राइसिस इन वेनेजुला कैन सीरियसली हार्म इंडियाज प्लान्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शंस फॉर ऑयल ट्रेड, कमेंट 150 वर्ड्स, ठीक है। तो अब आपको इसको 150 वर्ड्स में लिखना है, आपको इसमें थोड़ा सा डाटा भी लगेगा, आपको पहले अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखिए, और आंसर लिख के या तो डिस्कशन जो एरिया है यूट्यूब पे उस पर आप अपना आंसर डाल सकते हैं, तो इससे क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, बाकी के जो दोस्त आपके आंसर्स डालेंगे और मैं भी आपके आंसर्स पढ़ूंगा, और आप कमेंट कर सकते हैं नीचे अपने आंसर को, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन शायद आपको अभी काफ़ी सिंपल लग रहा हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस को लिखना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस में आपके पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको अपने 150 वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझें कि वेनेजुएला में जो ऑयल अब क्राइसिस चल रहे हैं, उससे इंडिया का जो प्लान था कि हम डाइवर्सिफाई कर देंगे भैया अपना ऑयल ट्रेड, क्योंकि हम सारा ऑयल जो था वो मिडिल वेस्ट एशिया से ले रहे थे, ठीक है। अब वेस्ट एशिया में चल रहे हैं क्राइसिस, कभी ISIS तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है, कभी किसी पे सेंक्शन कभी किसी पे सेंक्शन, तो हम ये देख रहे थे कि भैया हमें तो तेल तो चाहिए ही, अगर कल वहाँ को कुछ लफड़ा हो गया और तेल ना पाया तो क्या करेंगे, तो हम अपना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वेनेजुएला वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं इसके पास ऑयल के, ठीक है। लेकिन अगर क्राइसिस रहेंगे कंट्री में तो वो इम्पैक्ट करेगा, तो ये आंसर लिखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद व्हाट इज़ ब्लैक प्लैनेट, अब ये प्री व्री में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, इन्होंने एक एक्जो प्लैनेट डिस्कवर किया था। एक्जो प्लैनेट आपका वो होता है जो आपका सन के अराउंड नहीं घूमता, किसी और, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है वैसे ही उन प्लैनेट्स का कोई और सन होता है, वो किसी और बॉडी के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लैनेट हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप को मिला था। तो मेनली प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लैक प्लैनेट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो इनका एल्बेडो होता है ना वो बहुत कम होता है, मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट बहुत कम करते हैं। जैसे जो अपने को सूरज की रोशनी आती है तो अर्थ वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है थोड़ी बहुत लाइट थ्रो करती है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये प्लैनेट जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, सिर्फ 0.064 जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या इसकी शाइन होगी, क्या ये दिखेगा, अर्थ इसके मुकाबले 0.3 जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, और मून आपका 0.12 रिफ्लेक्ट करता है, तभी आपको रात को चंदा मामा दिख जाते हैं। इसका एल्बेडो बहुत कम होने की वजह से इसको बोला जाता है आपका ब्लैक प्लैनेट, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। इसको 2008 में डिस्कवर किया गया था, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टडीज एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है। रेडियस जो है वो इसका जुपिटर के ट्वाइस है, ठीक है। इसका एक साल हमारे अर्थ के एक दिन में पूरा हो जाता है, मतलब यहाँ एक दिन पूरा होता है और वहाँ पे एक साल पूरा हो जाता है, और टेम्परेचर जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये जो अपना पेरेंट स्टार है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है, कुछ अराउंड 2600 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर रहता है। अब ये आर्टिकल्स थे दो, इनमें कुछ खास मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, एक तो ये टॉल क्लेम्स ऑन किलिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो ये विद्या कृष्णन मैम का ये कहना है कि भैया WHO ने इंडिया को बोला है कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो तुमने टारगेट रखा है 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का। तो मैम का कहना है कि ये जो टारगेट इन्होंने रख लिया ठीक है इसको, ये लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। मैम का ये कहना है कि हमारे पास मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ पे कुछ अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हम ट्रेस ही नहीं किया है जिनको कि ट्यूबरक्लोसिस है भी या नहीं, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि ये जो 2025 तक का टारगेट है, लेकिन अब अगर आप देखें ना ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी बात में कुछ गहराई है,
लेकिन ये अब आपके एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, अब एग्जीक्यूटिव ने एक टारगेट रखा है टू अचीव। अगर आप सीधा अभी टारगेट पूरा होने से पहले ही जब आप फील्ड में आए तभी कह दें कि ये तो अचीव होगा ही नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो उनको ऐसे ऑफिसर्स तो चाहिए ही नहीं। अगर आपके आंसर्स में ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया तो आपकी पर्सनैलिटी ये रिफ्लेक्ट होगी कि भैया ये बंदा तो मतलब नेगेटिव सा है, कुछ काम करने से पहले ही इसने कह दिया कि नहीं होगा। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकें, ठीक है, यही आपका काम है, ऐसे ही डेवलपमेंट होती है। अगर सिर्फ हम न्यूज़ आर्टिकल्स की सुनते रहें कि भैया ये तो, वो तो हर चीज़ को कह देंगे नाना ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे नहीं होगा, वैसे वैसे नहीं होगा, फिर तो हो लिया काम, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर आप इस आर्टिकल में जो व्यूज़ हैं उन व्यूज़ को दिखाएं तो वो आपका एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। सोकिंग अप द सन, तो इनका ये कहना है कि 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो उनको विटामिन डी पूरा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टडी की बात की है, इनका स्टडी में ये कहना है कि अगर एक बच्चे को आप जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको अगर आप 30 मिनट्स सनबाथ भी एक दिन में, एक हफ्ते में 30 मिनट्स सनबाथ भी मिल जाता है तो इट विल फुलफिल हिज विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स। और विटामिन डी डेफिशिएंसी के होने की वजह से ही हमारी जो कंट्री है उसमें जो पॉपुलेशन है उनकी वीक बोन्स होने की वजह से और वो सारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व की जा सकती है। उसके बाद ये प्री व्री में आ जाए या बैंक वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक है मार्शल ऑफ IAF अर्जन सिंह, इनकी डेथ हो गई है, तो ये काफ़ी ही मतलब उम्दा ऑफिसर जिन्हें आप कहेंगे वो थे, इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और ही वॉज सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड टू द चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, ठीक है, एयर चीफ मार्शल इन्हें बना दिया गया था, तो ये पहले आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एयर चीफ मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स के। जनवरी 2002 में इन्हें रैंक दिया गया था मार्शल ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, मार्शल ऑफ एयरफोर्स इन्हें बना दिया गया था। और ये अभी तक के सिर्फ इकलौते एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको ये मार्शल ऑफ एयरफोर्स बनाया गया है। ये एक 5 स्टार रैंक होता है आपका, मार्शल ऑफ एयरफोर्स जो होता है ना ये आपका एक 5 स्टार रैंक होता है। अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि ये मार्शल ऑफ एयरफोर्स क्या होता है या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी तक इकलौते हैं जिनको मार्शल ऑफ एयरफोर्स अभी तक बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद थैंक यू और सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए, डेली आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।